नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, न्यूज एक्सप्रेस की खसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, मौजूदा सूरत हाल में कोरोना का खैर अपना फन फैलाए हुए हैं, जिसकी वजह से हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है और इस बात की हिदायतें जारी की जा रही है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, जबकि ईद उल फितर की अदायगी और कोरोना के खैर से महफूज रहने के लिए न्यूज एक्सप्रेस की जानिब से भैंसा शहर के एडिशनल एसपी भैंसा किरण प्रभाकर खेर से मुलाकात करते हुए इनकी हिदायतें हासिल की है, जिन्होंने भैंसा डिवीजन के अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते हुए अपील की के इस लॉकडाउन और कोरोना वबा से महफूज रहने के हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली तमाम अहकाम पर अमल आवरी करें और पुलिस का ताउन करते हुए कोरोना के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में अपना अहम रोल अदा करें। बादाजा सर्कल इंस्पेक्टर भैंसा परवीन कुमार ने भी शहरियों ने भैंसा को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते हुए अवाम से अपील की के इस खैर से अपना और अपने खानदान को महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल आवरी करें। इसके अलावा टीम न्यूज एक्सप्रेस ने भैंसा शहर के तमाम माहरीन और डॉक्टर से मुलाकात करते हुए ईद की मुबारकबाद और इनके मशवरों को हासिल किया गया। तमाम माहरीन ने शहरिया ने भैंसा को सबसे पहले ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की और अवाम से इस बात की अपील की कि वह मौजूदा सूरत हाल में कोरोना के खैर से खुद को और अपने खानदान को महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमरावरी को यकीनी बनाने की बात की और कहा कि इस खतरनाक वायरस से मुतासरीन के इलाज व मुआलजे में होने वाले मुश्किलात से वाकिफ करवाया और इस वबा का इलाज सिर्फ और सिर्फ एहतियाती बताया। तो लीजिए नाजरीन, भैंसा शहर के तमाम डॉक्टर्स और माहिरीन के ख्यालात आपके लिए पेश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सारे भैंसा के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने लास्ट दो दिनों में एक सक्सेसफुल लॉकडाउन करके दिखाया। भैंसा में अभी दो दिन से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जैसे इंस्ट्रक्शन आया उस हिसाब से हमने लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके अंडर सुबह 6 से 10 के बीच में सभी तरह के एक्टिविटीज जैसे कि शॉप्स, मार्केट्स, बाजार, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सभी को हमने अलाउ किया है, लेकिन उसके बाद में सुबह 10 बजे के बाद में सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज और साथ में ही एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को हमने अलाउ किया है। सभी लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ कि सभी लोग मास्क पहने, नकाब पहने, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। सभी मुस्लिम भाइयों से, मुस्लिम दोस्तों से अभी रमजान का एक पाक महीना चल रहा है, अभी उसके आखिरी दौर में हम पहुंच चुके हैं और कल ईद उल फितर है और सभी लोगों को, सभी मुस्लिम भाइयों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ईद के तौर पे। एक महीने में जिस तरह से हमने फास्टिंग किया है उसके बाद में कल एक आखिरी दौर आया है, लेकिन भैंसा में और पूरी दुनिया में एक महामारी फैली हुई है जिसका नाम है कोरोना। उस कोरोना से लड़ने के लिए हमें सबको साथ में आकर कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और उसी के अनुसार तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन किया है उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए। साथ में हमने ही सभी मुस्लिम लीडर से बात की है और डिसाइड किया है कि कल के दिन ईद उल फितर के दिन किसी भी तरह का प्रेयर्स ईदगाहों में नहीं अलाउड होगा। साथ में मस्जिदों में भी मैक्सिमम 4 से 5 लोगों को हम अलाउ करेंगे। उसमें अजान देने वाले सदर साहब रहेंगे, इमाम साहब रहेंगे, मस्जिद के प्रेसिडेंट रहेंगे और बाकी एक दो लोग मौलवी मुफ्ती साहब रह सकते हैं। लेकिन बाकी लोगों को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने घरों से ही ईद का सेलिब्रेशन करें, ईद त्योहार करें। इस कोरोना के महामारी में ये कोई एक रिवाइज से सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है, एक सादगी से, सिंपलिसिटी से आपको सेलिब्रेट करना चाहिए और इसी में कुछ आपने रिस्ट्रिक्शन भी फॉलो करने चाहिए। ये सभी जो बोल रही है आपकी सुरक्षा के लिए, आपके घर की सुरक्षा के लिए हम बोले जा रहे हैं। तो ईद के टाइम पे आप, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि गले मिलना, इन चीजों का अवॉइड करें। काफी लोगों को मुबारकबाद देने के लिए अम्मा जान के घर पे, रिलेटिव्स के घर पे चले जाते हैं, ऐसा जाने के बाद शायद ऐसा ना हो जाए कि आपकी वजह से, आप तो सह लोगे 20-25 साल के हो, लेकिन बाद में उस अम्मा जान को, खाला को प्रॉब्लम हो सकता है और बाद में उनको कुछ इश्यू भी हो सकता है। ऐसे भी काफी इश्यूज आए अभी तक कि एक ही घर में पहले मदर का डेथ हुआ, बाद में 7 दिन बाद बाप का डेथ हुआ और बाकी लोग भी पूरा फैमिली पूरा कोरोना से पीड़ित है और लोगों तक आखिरी दौर में उनको चेहरा देखने का टाइम भी नहीं मिला, उनको एक मौका भी नहीं मिला। तो सभी लोगों को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि तेलंगाना के जो लॉकडाउन है, कल के दिन 4 से 5 लोग मैक्सिमम मस्जिदों में प्रेयर करें, ईदगाह में किसी भी तरह का प्रेयर अलाउड नहीं रहेगा। कब्रिस्तान में भी जब जा रहे हो तो मिनिमम लोग रहेंगे सुबह 6 से 10 के बीच में, वहां पे भी किसी भी तरह का ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा
बाद में जो मार्केट रहता है वो मार्केट को भी 10 बजे के बाद अलाउ नहीं किया जाएगा। आप सभी से गुजारिश करता हूँ एक भैंसा में एक सक्सेसफुल लॉकडाउन करके दिखाई और इस महामारी को हम मिटाएं और सभी लोग पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू। पूरा भैंसा शहर में मुसलमान लोगों के लिए तो ईद की मुबारक है और ये कोविड के बारे में कुछ गवर्नमेंट से गाइडलाइन आया वो गाइडलाइंस पूरा सभी लोग मानना है और आपका ईद फेस्टिवल क्या है वो घर पे वो सेलिब्रेट करो और प्रेयर्स के बारे में भी आपका प्रेयर आपके घर में करे तो अच्छा रहता। आपकी वो ईदगाह पे परमिशन नहीं है सभी लोग वो उनका फैमिली से वो घर में ये ईद सेलिब्रेट करे तो सभी लोगों को अच्छा रहता और कल वो गले मिलना और शेक हैंड करना वो भी मत करो क्योंकि ये कोविड बहुत स्प्रेड हो रहा है वो सेकेंड वेव चल रहा है पूरा दुनिया परेशान में है तो इसीलिए आपके अपना भैंसा पुलिस से आप सभी लोगों की गुजारिश है तो आपका ईद आपके घर में सेलिब्रेट करो और ये ईद घर में सेलिब्रेट करें तो वो आने का ईद तो अच्छा और अच्छा बाहर सेलिब्रेट करने के लिए तो चांस है इसीलिए पूरा तो मुसलमान लोगों की मेरा गुजारिश है मेरा भैंसा पुलिस और निर्मल पूरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस से गुजारिश है कि आपका प्रेयर्स घर में करो तो बाहर मत आओ तो ये पुलिस का विनती है तो अभी तो हालत अच्छा नहीं है एक आपका रिश्तेदार घर पे आप गया और आपका रिश्तेदार आपका घर आए तो भी स्प्रेड होता है इसीलिए आपका घर में रहो और 10 बजे के तक कुछ डेली वो चीज़ के लिए परमिशन दे रहा है 6 to 10 वो डेली चीज़ घर के बारे में क्या क्या है वो खरीद कर लो और घर में अच्छा सेलिब्रेट करो। की तरफ से मैं डॉक्टर दामोदर रेड्डी ये रमजान के पीरियड में सब मुस्लिम भाइयों को बहनों को बुजुर्गों को बधाई देते हुए शुभकामना देते हुए एक मैसेज पास करना चाहता हूँ। ईद तो मनाना जरूरी है मगर अभी ये रमज़ान थोड़ा मुश्किल के दिनों में आए कोरोना से बहुत लोग कोरोना के अटैक से परेशानी में है और कई लोग इंतकाल भी हो रहे हैं। इसे टाइम पे अपन जो गवर्नमेंट बोल रही मास्क पहनना और 2 मीटर का दूर रहना अपन सब उसको दिल में रख के काम करना और अपन रहना भी वैसे उसके साथ साथ वो रमज़ान के पीरियड में वो जो प्रेयर के लिए जाते वो भी ये वो तो दूर रहने का फासला दूर रहने का सब क्या बोलते हैं दूर रहना चाहिए और बाद भी जो अपन मुबारकबाद देते हुए गले मिलते वो भी नहीं करे तो अच्छा है खाली दूर से ईद मुबारक बोल लेना ये टाइम पे ज़रूरी है क्यों वो तो अपने को लास्ट टाइम कोरोना में अपन इतना इफेक्ट नहीं हुए और इंसिडेंस भी कम था अपने पास मगर ये टाइम कोरोना बहुत आ रहा सब कम्युनिटीज में आ रहा और वो जो महाराष्ट्र से अपने को जो जरासीम आई वो वायरस जो आई वो बहुत खतरनाक वायरस है इसलिए मैं सब लोगों को ये चैनल के जरिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो गवर्नमेंट बोलते हैं उसका जो रूल्स जो बोलते हैं वो अपन वो इस्तेमाल करते हुए और कोई भी थोड़ा बुखार आया। मैं डॉक्टर काशीनाथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट एरिया अस्पताल भैंसा। पहले मैं मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक कहते हुए ये कोविड के वजह से ये सेकेंड वेव रहने से मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट क्या है बोलो तो सभी जने ये ईद को घर में रह के अच्छा मनाओ अपन के फैमिली मेंबर्स के साथ रह जाके घर में रह जाइए बाहर आके गले मिलना हाथ मिलाना ये मत करो क्यों बोलो तो ये जो वेव है बहुत स्प्रेडिंग बहुत है
इससे पूरा फैमिली को कॉम्प्लिकेशंस में स्प्रेड हो रहा। तो मेरा ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके और पर्सनल हाइजीन करके और किधर भी गए तो भी अगर मिल गए तो भी सैनिटाइजर इस्तेमाल करो। स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू। मुगल प्रजाको रमजान दिनोत्सव शुभाकांक्षलु अड्वांस रमजान दिनोत्सव शुभाकांक्षलु तेलुपुतुन्नानु। इप्पुडु मनमु उन्न ई परिस्थिति करोना कालं प्रति ओक्करू सोशल डिस्टेंस नि मेंटेन चेस्तू मास्क धरिस्तू ఒకరినొకరు కలుసుకోకుండా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ సేఫ్గా ఉండాలి। అత్యవసర పరిస్థితి అయితే మాత్రమే బయటకు రావాలి, లేదు అంటే కంపల్సరీ మీరు కరోనా బారిన పడే ఛాన్సెస్ ఉంది। మీరందరూ సేఫ్గా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ వారు పర్సనల్ అంటే పర్సనల్ హైజీన్ తీసుకొని అందరూ క్షేమంగా ఉండాలని మీరందరూ మనమందరం కలిసికట్టుగా అందరూ ఆరోగ్యం సూత్రాలు పాటిస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ సేఫ్గా ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। సభకు నమస్కారం। బైసా హుజూర్ కాన్ఫరెన్స్కి సభీ హమారే ముస్లిం భాయి బహనోకు ఈద్ కి ముబారక్। సబ్సే పహలే ఈద్ కే అభీ జో ఇస్ సాల్ కా ఈద్ హై లాస్ట్ ఇయర్ కా భీ అపన్ కోవిడ్ 19 కే సాయే మే అపన్ ఈద్ సెలబ్రేట్ కర్ రహే తో ఈ ये ईद भी है अभी जो 2021 का जो ईद है अपन कोविड 19 के जो सेफ्टी नॉर्म्स है तो उसके हिसाब से अपन सेलिब्रेट करें तो अपन और अपने फैमिली अपने जो फ्रेंड्स सभी लोगों को ये अच्छा रहता है। उसके लिए जो प्रॉपर सैनिटाइजेशन प्रॉपर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये सभी चीज़ें थोड़ा सा एहतियात करें तो अपने लिए अपने फैमिली के लिए और ख़ास करके अपने जो रिश्तेदार हों लोगों के लिए भी फायदेमंद हो जाएगा। इसी के साथ बाकी ये अभी दौर है, ये अभी सभी लोग अभी हम क्या होने दो, अभी बच्चे होने दो, पहले का जनरेशन होने दो, सभी लोगों के लिए ये ऐसा जो सिचुएशन है ये पहली बार आ गया पूरी दुनिया में। ऐसा सिचुएशन कभी देखे नहीं थे और फ्यूचर में कभी देखेंगे या नहीं देखेंगे मालूम नहीं। और ऐसी सिचुएशन में सभी लोग क्या है हिम्मत से रहना चाहिए और खाने पीने पे अच्छा ध्यान देना चाहिए और सबसे बड़ी बात डरना नहीं चाहिए और प्रॉपर एहतियात करना चाहिए। एहतियात के साथ अगर किसी को कुछ हल्का सा बुखार सर्दी कुछ हुआ तो तुरंत डॉक्टर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ पे भी डॉक्टर्स कंसल्ट करके तो प्रॉपर टेस्ट हो करके और एहतियात के तहत दवा इस्तेमाल करें तो अपने को मतलब ये बीमारी से अपन जल्दी निजात पा सकते हैं। ये एक हमारी तरफ से ईद के लिए और एक बार अभी सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार। सभी भैंसा वासियों को नमस्कार, ईद मुबारक। अभी अपन पूरा अपना देश एक बहुत भयानक दौर से गुजर रहा है, कोरोना के दौर से बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत अपना कंट्री भी पूरा ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा, कहीं पर भी बेड्स नहीं मिल रहे, कई लोगों को ट्रीटमेंट ठीक तरह से नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो इससे अपने को एक ही तरीका है बचने का, अपने को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। अपन ज़्यादा से ज़्यादा अपन 6 फीट का कम से कम एक दूरी मेंटेन करके अपन ये ईद को अपन सेलिब्रेट करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मास्क पहनिए कंपल्सरी। और ये एक ही तरीका है जिससे ये कोरोना से अपन बच सकते हैं, दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। कोरोना आने के बाद का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही मुश्किल है, जो हम अभी कर रहे हैं इधर तो हमको मालूम है कितना तकलीफ होता है, फाइनेंशियली भी तकलीफ होएगा और फिजिकली भी बहुत तकलीफ से गुजरता पेशेंट। तो उससे अच्छा है कि अपन आने के बाद का जो है वो अलग है, उससे अच्छा अपन उसको नहीं खाने देना, इसीलिए अपन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के अपन अपना ईद मनाएंगे। थैंक यू भाई साहब और उज्जवल तमाम लोगों को सबको ईद मुबारक। और ये इस साल पिछले साल से अपने को तकरीबन 1-1.5 साल से कोरोना का पैंडमिक चल रहा, इसके दरमियान अपन सब ये ईद मनाना है सबको कंपलसरी है, क्यों तो सबको फेस्टिवल्स आते रहते हैं, फिर भी ये महामारी का सीजन है, इसमें नज़र में रख ले के
आप लोग पूरे घर में आपका ईद मना के और प्रेयर भी तकरीबन घर में करके तो अच्छा रहता। अगर कंपल्सरी प्रेयर जाना हो तो भी आपके सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और दूर दूर बैठते हुए और मास्क पहनते हुए और नज़दीक नहीं रहने से सब विशेष कर लेके ईद को अच्छा मनाओ और अपने घर में मनाओ और घर में बैठ के अपना अच्छा रहना, दूसरों को अच्छा रखना, ये है इसका। अब ये सीजन में अपन ऐसा करें तो तकरीबन अपने नज़दीक लोगों को, अपने रिलेटिव्स को ये ईद की तरफ से अपना तोहफा समझना का। इस वास्ते सबका और एक बार ईद मुबारक। महिसा और शहर और आजू बाजू के मेरे मुस्लिम भाई बहनों को ईद का मुबारक बोल रहा हूँ। और ये ईद के मौके पर जो अपने कोरोना सेकेंड वेव के जो पोजिशन है उसके वास्ते थोड़ा अपना ख्याल करिए। जो ईद के बाद अपन गले मिलते हैं उसको थोड़ा दूर से ही आप विश करिए। और जो ईद के टाइम में अपन घरों अपने सबों के रिश्तेदारों के घरों में जाके उनको बुलाते अपने घरों में कि एक कोरोना का पैंडमिक की वजह से आप उनको वो भी उस कार्यक्रम को आप दूर रहिए। और एक बात, जो अभी कोरोना का माहौल सेकेंड वेव में, पहले ऐसा सर्दी खांसी बुखार नहीं आ रहा, अलग अलग सिम्टम्स हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रहा, किसी को मोशन लग रहे हैं, किसी को कमर के दर्द दे रहा, किसी को जान अच्छा नहीं है ऐसा कॉम्प्लेंट आ रहा, किसी को कमजोरी मालूम हो रहा। तो हैदराबाद के एक बुजुर्ग ने कहा था, जिस किसको भी होंगे दो दिन आप तबीयत अच्छा नहीं है तो दो काम करना चाहिए। पहली बात, डॉक्टर के पास जाके आप टेस्ट कर लेना चाहिए, आपको जो रिजल्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट रहता है वो कर लीजिए, इसमें नहीं आया तो फिर आरटीपीसीआर कर लीजिए। और दूसरा काम, आपको एंटीजन में आरटीपीसीआर में वो कोरोना वायरस COVID-19 होंगे ना होंगे, आपका तकलीफ के हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो गोलियों का किट दे रहे या आपका फैमिली डॉक्टर को पूछ के आप दो दिन तबीयत अच्छा नहीं तो बिल्कुल वो 5 से 10 दिन का जो कोर्स है कोरोना का बिल्कुल लेना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे टेस्ट हुआ मुझे नहीं है बोल के वैसे छोड़ दे रहे, ऐसा नहीं है, हर एक को टेस्ट में पॉजिटिव आना ऐसा रूल नहीं है। किसी को तबीयत अच्छा नहीं है, दो दिन से ज़्यादा तबीयत में कुछ बिगड़ा हुआ दिखता है तो इमीडिएट आप गोली लेना बोल के अपने हेल्थ करके बुजुर्ग बता रहे। इसलिए मैं आपके भाई साहब और आपको बोलना चाह रहा हूँ, आपका तबीयत का ख्याल रखिए कि रमज़ान में आप खुशी बनाइए। और एक बात, रमज़ान की डॉक्टर पद्मावती भोसले साक्षी हॉस्पिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको ये रमजान के फेस्टिवल पे सबको ईद मुबारक। मैं ईद पे थोड़ी बात कहना चाह रही हूँ आपको। नॉर्मली ईद बोले तो सब गले मिलते शेक हैंड देते, एवरी ईयर आप ऐसा ही करते हैं, ईद मना लेते सबको गले मिलते खुशी से। लेकिन ये अभी कोविड का मौसम चल रहा है, कोविड का प्रॉब्लम बहुत ही है अपने सेकेंड वेव से सब जन परेशान से, इसीलिए आप ये थोड़े चीज़ अवॉइड करके ईद सब मना ले सकते हैं। लेकिन थोड़े चीज़ें क्या, गले मिलना शेक हैंड देना ऐसे इस बार मत कीजिए। मस्जिद को जाके नमाज पढ़ लेते हो, आप पढ़ सकते हैं लेकिन थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेके कर सकते हैं, ऐसा कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना ज़रूरी है, मास्क लगा लेके सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके आप सब नमाज वो सब कर ले सकते हैं। और इस बार आप प्लीज़ 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 इस बार आप किसी को भी रिलेटिव्स को ऐसा घर को प्लीज़ इनवाइट मत कीजिए, अपने फैमिली के साथ ही मना लीजिए। और ज़रूरत है तो ही बाहर निकलिए, एक बार अपने कोविड से बाहर निकलने के बाद एवरी ईयर आप पहले की तरह आप ईद मना सकते, इस बार थोड़ा केयरफुल कर लिए तो अच्छा रहता। पंच सबको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक। सबको मालूम है कि कोरोना सेकेंड वेव चल रहा, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा, तो सोशल डिस्टेंसिंग में रहिए, मास्क पहनिए, बाहर कुछ गए आए तो भी सैनिटाइजर यूज करिए, और जो ईद खरीद में है धूप से ही मिलिए, घर में रहिए और शॉपिंग वो ना करें तो बेटर है, क्योंकि पहले जान है तो फिर उसके बाद में जहान है। अभी जैसा ईद आ रही, गले मत मिलिए, दूर से ही मुबारकबाद दीजिए, और बाहर कुछ गए आए तो सेफ्टी यूज करिए,
मास्क जरूर पहनिए, आपको डबल मास्क पहनने की जरूरत है, और सैनिटाइजर अच्छे से यूज करिए, बाहर से कुछ चीज लाए या फिर उसको भी अच्छे से क्लीन करिए, वॉश करिए, बाहर के चीज आप ज्यादातर अवॉइड करिए, घर में बनाइए और खाइए। अपन सेफ्टी रहे तो साथ में घर वालों को भी सेफ्टी रहना अच्छा जरूरी है। अगर कुछ सिम्टम्स है तो जितना जल्दी हो सके उतना टेस्ट करवाइए। बहिंसा के सारे मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक। मैं डॉक्टर जवाहर लाल, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो ईद होने वाला, मतलब ईद आने वाला है, उसके लिए कोविड के रिगार्डिंग जो सेकेंड वेव चल रहा है, कुछ प्रिकॉशन देने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसा नहीं सोचना है कि जो फर्स्ट वेव और जैसे हुआ है और सेकेंड वेव भी ऐसे ही है, क्योंकि बिल्कुल नहीं है। और सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से लगभग 100 गुना ज़्यादा मतलब डेंजर है, और इतनी तेज़ी से स्प्रेड हो रही है। जैसे पहले फर्स्ट वेव में हुआ था कि ऐसे गले मिलना और ये करना, उससे भी कुछ नहीं हुआ करके, अभी भी ऐसे नहीं होगा करके नहीं सोचना है। तो सबको यही रिक्वेस्ट है कि अब अपना ईद घर पे ही मनाइए, और ये गले मिलना और शेक हैंड देना ये सारी चीज़ें नहीं करना है। और इवन घर में भी बैठे हुए भी आप मास्क पहन लोगे तो बहुत अच्छा है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन कर लेना। अगर कोई आ रहा है तो, मेहमान आ रहा है घर पे, तो डिस्टेंस मेंटेन रखना है। बाहर से कोई भी आ रहा है तो सैनिटाइज करवाना है, एंड घर पे ही ईद मनाइए। और शेक हैंड, गले मिलना बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करना है, कोई भी होगा, चाहे वो जितने भी करीब लोग होंगे मेहमान, लेकिन मतलब बुरा मानेंगे मेहमान करके, आप ऐसा नहीं करना है कि जाके गले मिलना है या और बाजू में बैठना है, ये सारी चीज़ें मत कीजिए। तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, और मास्क पहनना है। इससे ज़्यादा और कुछ जरूरत नहीं है आपको, अपने आप को बचाने के लिए और आपको फैमिली के बचाने के लिए। ఈరోజు మన ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాము కరోనా సెకండ్ వేవ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. చాలా తీవ్రంగా మ్యూటేషన్ కావడం వల్ల ఈసారి పోయినసారి కంటే ఈసారి కరోనా చాలా ఉధృత రూపంగా వస్తుంది, సావులు కూడా ఎక్కువైతున్నాయి. మీరందరూ కొన్ని కూడా మీరందరూ గమనిస్తూనే ఉన్నారు. ఎలా అంటే కరోనా వస్తుంటే ఊరు కనీసం ఊరు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వారు కూడా పట్టించుకోవడం లేదు. కరోనాతో ఒక మనిషి చనిపోతూ ఉంటే ఆ దహన సంస్కారాలు కూడా చేయడానికి ముందుకు రావడం లేదు. అనాథాలుగా శవాలు మిగిలిపోతూ ఉన్నాయి. అప్పుడప్పుడు డాక్టర్లు కొన్ని యూత్ వ్యక్తులు అలాగే మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు చొరవ తీసుకోవడం వల్ల ఇటువంటి శవాలకు మోక్షం కలుగుతూ ఉంది. కావున దయచేసి నేను పబ్లిక్ విన్నవించేది ఏంటంటే, ఈసారి పండుగ ఈద్ వచ్చింది కాబట్టి పోయినసారి మనం ఏ విధంగా ఈద్ జరుపుకున్నామో భయసమహేశవి भाइयों को मेरे तरफ से ईद मुबारक। गए साल अपन जैसे ईद मनाए थे, मुंह से बोलना, हाथ नहीं मिलाना और गले नहीं मिलाना, ऐसा लास्ट टाइम फॉलो किए थे। तो यही लास्ट इसके ये फॉलो करने से लास्ट टाइम थोड़ा बहुत केसेस कम आए थे। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाव सभी भाई बहनों से अभी भी यही तरीका का अपन फॉलो करेंगे, और ये जो कोरोना है महामारी से बचेंगे, और अपन भी बचेंगे, और अपने फैमिली को, बच्चे को, माँ बाप को, भाई बहन को, सबको बचेंगे। इसके लिए मैं फिर एक बार सभी भाइयों को ईद मुबारक बोलते हुए, ये हुआ है तो फॉलो कर सकते बोल के मैं एक बार पब्लिक को ईद मुबारक। घर पे रहो, कोरोना का थोड़ा बाहर चल रहा, सो सेफ मास्क यूज करना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, घर पे रह के अच्छा रहना। हालत अच्छा है कोरोना के वास्ते, कुछ सिम्टम्स आए तो कॉफी और कोल्ड फीवर कुछ भी है तो डॉक्टर से कंसल्ट होना, या फिर डॉक्टर से, या फिर कोरोना का वार्ड्स भी चल रहा है, सिटी स्कैनिंग है अच्छा। ऑल मुदो कंसर्न्स मुस्लिम ब्रदर्स को।